बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो कि हम अपने टिकटॉक अकाउंट से दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हुए पैसे कमा सकते हैं, कि अब हम अपने टिकटॉक अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। पर उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट होना चाहिए जो कि अमेरिकन अकाउंट कहलाता है, जिसके क्रिएटर टूल्स में क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अमेरिका में न रहते हुए अपने अमेरिकन टिकटॉक अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आसान और मुकम्मल तरीका समझाऊंगा, मगर उससे पहले जो हजरात हमारे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, और मोबाइल एप्लीकेशन में कोई भी वीपीएन डाउनलोड करना है, जैसे कि मैंने होते वीपीएन डाउनलोड किया है। एक बात जहन में रखें कि हमें अपने मोबाइल का लोकेशन एंड टाइम एंड डेट सेटिंग में अपने ऑटोमेटिक टाइम जोन को ऑफ कर देना है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीपीएन ऑन करने के बाद मैंने अमेरिकन लोकेशन पर सेट कर दिया। वीपीएन ऑन होने के बाद हमें एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करना चाहिए, जिसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट के मुताबिक होना चाहिए। जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम कोई भी ब्राउज़र ओपन कर देते हैं, जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर दिया, और सर्च बार में टिकटॉक सर्च करने के बाद मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र का डेस्कटॉप मोड ऑन कर दिया। लॉगिन का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह इंटरफेरेंस आएगा। क्योंकि हम एक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए हमें साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना चाहिए। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यूज फोन नंबर और जीमेल पर मैंने क्लिक कर दिया। इस इंटरफेरेंस में आप देख सकते हैं कि पहले स्टेप में हमारा डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड है, तो पासपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर हमने अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दिया, और साथ ही साइन अप विद जीमेल पर मैं क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जीमेल एड्रेस रिक्वायर्ड है, तो वो नया जीमेल मैंने यहाँ पर इंटर किया। पासवर्ड इंटर करने के बाद मैंने सेंड कोड पर क्लिक किया, और इसी जीमेल पर ओटीपी रिसीव होने के बाद यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया। ओटीपी इंटर करने के बाद आगे जाने के लिए मैंने नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया। दोस्तों, इस स्टेप में हम अपना कोई भी यूजर नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ आप देख सकते हैं कि आप इस ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं। इस टिप के साथ ही हमारा अमेरिकन अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको टिकटॉक में लॉगिन करते हैं। टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन होने के बाद मैंने साइन अप पर क्लिक किया। क्योंकि हम ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, सो इसलिए मैंने ऐड एग्जिस्टिंग अकाउंट पर क्लिक किया। इस लॉगिन ऑप्शन में मैंने यूज फोन नंबर, ईमेल और यूजर नेम को सेलेक्ट कर दिया। इसी स्टेप में मैंने जीमेल और यूजर नेम पर क्लिक किया। इस पहले खाने में हमारा जीमेल एड्रेस रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर जीमेल एड्रेस एंटर कर दिया, और दूसरे स्टेप में हमारा पासवर्ड रिक्वायर्ड है, तो मैंने अपना पासवर्ड एंटर किया, और साथ ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक किया। कैप्चा क्लियर करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम लॉगिन हो चुके हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे टिकटॉक में क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम है या नहीं। प्रोफाइल पर आने के बाद मैंने थ्री डॉट्स पर क्लिक किया। क्रिएटर टूल पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा मौजूद है। ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, किसी का सवाल हो तो कमेंट करें, और आखिर में दे दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।